हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसेंट एंजल ब्लॉग। आज मैं बनाने जा रही हूँ मालपुआ, वो भी पके हुए। जो आप सोचते हैं वेस्ट हो गए हैं बनाना, तो उसी बनाने से मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अभी मालपुआ बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इस तरह का ज़्यादा पका हुआ वाला केला ले ली हूँ। आप इसी तरह का केला लीजिएगा जो थोड़े ज़्यादा पक गए होते हैं, क्योंकि मालपुआ उसी केले में ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए, मैं दो केला ले ली हूँ, उसे एकदम अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और इजी प्रोसेस है, टेस्टी भी लगते हैं। अच्छी तरह से मैं मैश कर ली हूँ, थोड़ा थोड़ा ऐसे गुठली रहने दीजिएगा। अभी मैं उस पर 2 कप मैदा डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। पे थोड़ा सा मिल्क डालूंगी और उसका अच्छा सा एक बैटर बनाऊंगी। फिर अभी मैं उस पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं चीनी डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। और उसे भी अभी अच्छे से मिला लूंगी, उसको अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। अभी मैं उस पे थोड़ा सा सौंफ डालूंगी, देख सकते हैं, थोड़ा सा डालूंगी मैं। और उस पर थोड़ा नारियल का पीसेस डालूंगी जो मैंने छोटे छोटे करके काट लिए हैं, उसे भी अच्छी तरह से मिला लूंगी। आप देख सकते हैं किस तरह बना है। अब मैदा ज्यादा मत लीजिएगा, इसी तरह से लीजिएगा। मैं एक कढ़ाई ले ली हूँ, उस पे मैं घी डालूंगी। उसे थोड़ा मेल्ट होने के लिए छोड़ दूंगी। देखिए, मेरा घी गरम हो गया है। अब मैं गैस के फ्लेम को लो कर दूंगी और जो पेस्ट मैं बनाई हूँ वो इस तरह से डाल के मैं मालपुआ बनाऊंगी। बस आप एक ही बार में 1 से 2 ही दीजिएगा, क्योंकि वो साथ में वरना चिपक जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, मैं 2 ही डाली हूँ, आप लो फ्लेम में पकाइएगा। कितना अच्छी तरह से फूल गए हैं। बस अभी मैं इसे थोड़ा पलट लूंगी ध्यान से। आप ये जब भी बनाएं लो फ्लेम पे ही बनाइएगा। बन गया है, अभी फिर से मैं उसे और एक साइड पलट के इसे भी थोड़ा ब्राउन होने तक पकाऊंगी। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और घी में बनाइएगा, उससे ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है। देखिए, मेरा मालपुआ बन गया है। अभी मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी। मुझे टोटल टाइम लगे हैं ये 2 मालपुआ बनाने में 7 to 8 मिनट्स। देखिए, तो इसी तरह से चलिए सारे मालपुआ बना लेते हैं।
देखिए मैंने सारा मालपुआ इस तरह से बना लिया और बहुत ही कम घी भी ख़त्म होते हैं, तो आप भी अपने घर पे ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो फिर प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।